उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों देशों के बीच संबंध इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अब किसी भी देश की तरफ से एक हमला इस तनाव को युद्ध में तब्दील कर सकता है। हालांकि दक्षिण कोरिया को डराने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कई बार मिसाइल परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खुद किम के दिमाग में दक्षिण कोरिया और अमेरिका का खौफ बैठा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि किम जोंग उन ने अपने देशवासियों से कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। किम का कहना है कि उत्तर कोरिया के आसपास की भू राजनीति कुछ ठीक नहीं चल रही है, खासतौर से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया का तनाव बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर किम ने कहा कि अब ये वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने का है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिलिट्री यूनिवर्सिटी में एक संबोधन में कहा कि यदि दुश्मन उत्तर कोरिया के साथ सैन्य टकराव का विकल्प चुनता है तो उत्तर कोरिया अपने कब्जे में सभी साधन जुटाकर बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन को मौत का झटका देगा। अब युद्ध के लिए पहले से कहीं अधिक गहनता से तैयार होने का समय आ गया है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA का कहना है कि किम जोंग उन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा जटिल हालातों, अनिश्चितता, सैन्य अस्थिरता और उत्तर कोरिया के आसपास राजनीतिक हालातों का अपने इस बयान में हवाला दिया है। किम का कहना है कि उत्तर कोरिया के आसपास हालात ठीक नहीं हैं और ऐसे हालातों में उत्तर कोरिया को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में किम जोंग उन ने एक मध्य दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का सुपरविजन किया था। इस मिसाइल में ठोस ईंधन का उपयोग किया गया था और इस मिसाइल को लेकर जानकारों ने दावा किया था कि ये मिसाइल उत्तर कोरिया की मिसाइल तैनात करने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के अपने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया से संबंध बेहद खराब चल रहे हैं। इस साल की शुरुआत से ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्तर कोरिया का आरोप है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया है जो उत्तर कोरिया को उकसाने वाला है।